अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ वायर इज इन अ सर्कुलर शेप ऑफ रेडियस ट्वेंटी एट सेंटीमीटर एक वायर है जो सर्कुलर शेप में है देखिए ये सर्कुलर शेप में है जिसका रेडियस दिया हुआ है ट्वेंटी एट सेंटीमीटर का ये रेडियस दिया हुआ है हमें ट्वेंटी एट सेंटीमीटर का अब आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है इफ़ इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्र वॉट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्र फॉर्म अगर इस वायर को खोल के जिससे सर्कल बनाया गया है उस वायर को ओपन करके हमने एक स्क्वायर बनाया हमने एक स्क्वायर बनाया तो हमें इस स्क्वायर का एरिया निकालना है कि कितना होगा तो देखिए अब अब वायर हमारी बाउंड्री पे लगती है तो बाउंड्री को खोल के हमने स्क्वायर बनाया तो बाउंड्री की जब बात होती है सर्कल की तो हम किसकी बात करते हैं सर्कम की और उसी बाउंड्री वाली वायर से हमने क्या बनाया स्क्वायर बनाया तो इसकी बाउंड्री की लेंथ इसकी बाउंड्री की लेंथ की इक्वल होगी तो इसकी बाउंड्री की लेंथ क्या कहलाती है सर्कम और इसकी बाउंड्री की लेंथ क्या कहलाती है पेरीमीटर तो सर्कल का सर्कम किसके इक्वल हुआ स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल हुआ तो हम क्या निकाल लेंगे सर निकाल लेंगे तो, तो हमें रेडियस कितना दे रखा है रेडियस दे रखा है हमें ट्वेंटी एट सेंटीमीटर का तो हम सर का फॉर्मूला जानते हैं टू पाए आर होता है तो टू इन टू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन और आर था हमारा 28 सेंटीमीटर जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे सेवन फोरजा ट्वेंटी तो ये कितना आ गया फोर्टी फोर फोर्जा फोर्टी फोर फोर्जा इज वन सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर हमारा सर्कम फ्रेंस आ गया तो हमें पता चल गया कि हमारा जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो किसके इक्वल है सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल के द वो कितना सेंटीमीटर हो गया 176 सेंटीमीटर हो गया अब पेरीमीटर निकालने के लिए हमें साइड पता होना चाहिए और साइड हमें दी भी नहीं है तो लेट कर लेते हैं लेट द साइड ऑफ अ बी स्क्वायर बी एस सेंटीमीटर तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के फोर इन साइड अब पेरीमीटर है हमारा 176 सेंटीमीटर फोर और साइड को हमने एस माना था तो साइड कितना आ गया 176 अपनी जगह रहा और फोर डिवाइड में आ गया क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था इसलिए डिवाइड में आ गया अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे फोर वन जो फोर 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 जो सिक्सटीन फोर फोर जो सिक्सटीन तो हमारी साइड कितनी आ गई दैट इज़ 44 सेंटीमीटर आ गई अब हम एरिया निकाल सकते हैं स्क्वायर का तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया दैट इज़ साइड इनटू साइड तो साइड थी हमारी फोर्टी फोर सेंटीमीटर तो फोर्टी फोर इंटू फोर्टी फोर तो ये कितना आ जाएगा देखिए हम साइड में कर रही हूँ फोर्टी फोर इंटू फोर्टी फोर 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 जो सिक्सटीन कैरी वन सेवनटीन सिक्स सेवन एंड वन तो ये कितना आ गया सिक्स थर्टीन नाइन एंड वन तो हमारा एरिया आ गया स्क्वायर का 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ एक्रेलिक इज 34 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर एक स्क्वास शीट है एक्रेलिक की जो कितने सेंटीमीटर बाय कितने की है 34 सेंटीमीटर की लेंथ है और 24 सेंटीमीटर की हमारी ब्रेथ है अब आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है फ्रॉम इट 64 फोर सर्कुलर बटन ईच ऑफ डायमी थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर हैज बीन कट आउट फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट इसमें से सर्कुलर बटन कट किए गए ऐसे से। इसका डायमीटर हमें दे रखा है डायमीटर ये होता है थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर का राइट right? तो हमें जो ये बीच बीच में जो पार्ट का एरिया बचा है वो बताना है कि जो पार्ट शीट का बचा है वो बताना है कि कितना बचा है तो क्या करेंगे देखिए शीट हमारी बड़ी है और ये जो है बटन्स वो छोटे हैं तो बड़ी शीट में से हम अगर बटन्स का एरिया माइनस कर देंगे 64 फोर बटन्स का माइनस कर देंगे तो हमें रिमेनिंग पार्ट का एरिया पता चल जाएगा कैसे दिखे हमें क्या क्या दे रखा है लेंथ दे रखी है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट दे रखा है रेक्टेंगुलर शीट दैट इज 34 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है हमें ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है हमें दैट इज ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर तो अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट निकाल लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर शीट का दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ तो लेंथ थी हमारी थर्टी फोर सेंटीमीटर और ब्रेथ थी ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर तो कितना आ जाएगा देखिए थर्टी फोर इंटू ट्वेंटी फोर 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 ज़ा सिक्सटीन फोर थ्री ट्वेल्व एंड थर्टीन टू फोर जो एट टू थ्री सिक्स तो ये कितना आ गया सिक्स 11 एंड एट तो ये आ गया 816 सेंटीमीटर स्क्वायर की हमारी रेक्टेंगुलर शीट आ गई राइट अब हम इसमें से बटन का एरिया निकालेंगे सबसे पहले और वो माइनस करेंगे तो हमें डायमीटर ऑफ बटन दे रखा है डायमीटर ऑफ बटन दे रखा है हमें थ्री पॉइंट फाइव सेंटी मीटर लेकिन हमें एरिया निकालने के लिए बटन का रेडियस चाहिए तो रेडियस ऑफ बटन कितना आ जाएगा दैट इज़ डायमीटर का आधा तो यह आ गया 3.5 पॉइंट अपॉन टू इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं इतना सेंटीमीटर अब एरिया निकाल लेंगे एक बटन का एरिया ऑफ वन बटन कितना आ जाएगा हमारा एरिए का फॉर्मूला सर्कल की फॉर्म में है बटन तो सर्कल का फॉर्मूला ही लग जाएगा तो वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर अब पाई की वैल्यू है ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन और आर कितना आया है हमारा थ्री पॉइंट फाइव अपॉन टू इंटू थ्री पॉइंट फाइव अपॉन टू अब देखिए पॉइंट हटाया एक ज़ीरो लग गई यहाँ पे भी पॉइंट हटाया एक ज़ीरो लग गई अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे सेवन वन जैवन सेवन फाइव ज थर्टी फाइव नाओ टू वन ज टू एंड टू इंटू इलेवन इज ट्वेंटी टू दैट्स इट और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा इलेवन फाइव ज फिफ्टी फाइव इंटू थर्टी फाइव फिफ्टी फाइव इंटू थर्टी फाइव तो ये कितना आ गया फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव फाइव थ्री जो फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन फाइव सेवन एंड वन तो ये आ गया फाइव 12, नाइन एंड वन वे वन नाइन टू फाइव डिवाइडेड बाय टू हंड्रेड इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एक बटन का एरिया है राइट अब हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे डेसिमल फॉर्म में नहीं लाएंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में 64 फोर कह रहा है कि इस शीट में से निकाल गए तो एक बटन का एरिया इतना है तो 64 फोर का एरिया निकालना पड़ेगा हमें कि 64 फोर में कितना शीट लगा है, राइट right? तो एरिया ऑफ 64 फोर तो देखिए एक की वैल्यू दे रखी है, ज्यादा की निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई कर देंगे वन नाइन टू फाइव अपॉन टू हंड्रेड को मल्टीप्लाई कर देंगे सिक्सटी फोर से अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे तो देखिए फोर वन ज फोर फोर सिक्स जो ट्वेंटी फोर फोर फाइव जो ट्वेंटी एंड जीरो फाइव वन जीरो फाइव थ्री जो फिफ्टीन फाइव फोर्टी फाइव एट ज फोर्टी फाइव फाइव ज ट्वेंटी फाइव टू फाइव जन टू एटी जैवनज़ थर्टी फाइव थर्टी थर्टी सेवन थर्टी फाइव अगेन फाइव सेवनज़ थर्टी फाइव राइट तो ये कितना आ गया हमारा दैट इज सेवनटी सेवन इंटू एट और वी कैन से दैट एट सेफ्टी सिक्स फाइव कैरी फिफ्टी सिक्स प्लस फाइव इज सिक्सटी वन सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सिक्सटी फोर बटन्स का एरिया आ गया और हमारा रेक्टेंगुलर शीट का एरिया भी एट वन सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर आया था अब हम रिमेनिंग शीट का एरिया निकाल लेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट रिमेनिंग शीट कैसे निकलेगा देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 64 बटन्स राइट right? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था 816 सेंटीमीटर स्क्वायर अभी अभी देखा था हमने और एरिया ऑफ 64 बटन्स कितना है हमारा दैट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर तो रिमेनिंग शीट का एरिया कितना हो गया दैट इज 200 centimeter square is the answer let's do next question now